उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से भाजपा द्वारा अयोध्या मंदिर उद्घाटन में जल्दबाजी की जा रही है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। शंकराचार्य भी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एवं उद्घाटन को उचित नहीं बता रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए उद्घाटन किया जा रहा है। मिश्रा के अनुसार वह खुद रोजाना सुबह शाम भगवान राम की पूजा करते हैं। वहीं देश के कण कण में भगवान राम है, लेकिन भाजपा राम को लाने का दावा कर रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही अयोध्या के राम मंदिर में पूजा शुरू कराई थी और गेट खुलवाया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी की भगवान राम में पूरी आस्था और निष्ठा है, लेकिन भाजपा द्वारा किए जा रहे राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक तो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। मैं आपके संज्ञान में लादू, शायद आपको पता नहीं है, आज से 40 साल पहले माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इनको बंद कर रखा था, रामलला की मूर्ति को इन्होंने एक उसमें कमरे में उसका ताड़ा खुलवाया और वहां पर इनको पूजा अर्चना शुरू कराई, और उसी टाइम माननीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम करके ये कहा था कि हम भव्य राम मंदिर हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं, बनाएंगे। अब बीजेपी के साथी उसको चुनावी मुद्दा बनाने के चक्कर में है तो शंकराचार्यों ने विरोध कर दिया। शंकराचार्यों की बात ये, देखो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 6 पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं, उन सब में लिखा हुआ है कि किसी भी मंदिर हो चाहे घर हो, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक उसमें गृह प्रवेश नहीं करते। अभी उसकी गुंबद ही नहीं बनी शंकर, अब मजबूरी में माननीय मोदी जी को वो कपड़े की गुंबद बनवानी पड़ रही है। और राम तो कण कण में है, राम का अब तो प्रवेश इस देश में 500 साल पहले हो गया, अब मोदी जी के कोई प्रवेश कराने से प्रवेश होगा क्या? पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए कोई कुछ भी कहते हैं, बाकी राम तो कण कण में है, राम तो यहां भी विराजमान है, राम तो अयोध्या में विराजमान है, राम तो पूरे देश के कण कण में विराजमान है, आपके हमारे अंदर विराजमान है, राम को लाने की आवश्यकता नहीं है। राम सबके आराध्य देव है, सबके पूज्य है, हम सब भगवान श्री राम का सम्मान करते हैं। और जो मंदिर का ये कल 22 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं, हम मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, चलो चाहे पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं, लेकिन भगवान राम में आस्था तो प्रकट कर रहे हैं।